अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको काले तितर की मस्ती और बलाई वाले पानी के बारे में बताऊंगा। वीडियो बहुत ही मुख्तसर सी होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। मुझे बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि हमारा तितर मस्ती नहीं करता और बलाई भी बहुत कम करता है। पहले बहुत मस्ती करता था और बलाई भी करता था, पता नहीं अब क्या हो गया है कि मस्ती नहीं कर रहा और बलाई भी कम कर गया है। और अब कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि हमारे तितर दोबारा मस्ती में आ जाएं और अपने पहले वाली भलाई भी करें। तो जिन भाइयों को इस मसले से परेशानी होती है, तो जो नुस्खा मैं बताऊंगा वो ये नुस्खा दें, इंशाल्लाह तितर मस्ती भी करेगा और भलाई भी करेगा। जिनका तितर बिल्कुल नहीं करता मस्ती और ना ही भलाई, तो वो दोस्त भी नुस्खा दे सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। नुस्खा नोट कर लें, एक चुटकी सौंफ, एक टुकड़ा दालचीनी, एक अदद लौंग, दो अदद बीज इलायची, इलायची के अंदर वाले दो बीज लेने हैं। और ये सारी चीज़ें किसी अच्छे पंसार वाले से लेनी है। जो इलायची आपको वीडियो में दिखाई जा रही है ये वाली लेनी है। तरीका इस्तेमाल ये है कि इन सब चीज़ों को एक कप पानी में डालकर उबालें और जब आधा कप रह जाए तो उतार लें और दोपहर के वक़्त तितर को दें। हफ्ता में 3 दिन इस्तेमाल कराएं। जब तितर मस्ती पकड़ रहा हो और बलाई कर रहा हो तो हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कराएं, और जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो कभी कभार दे दिया करें। और इससे तितर का मैदा भी ठीक रहता है और भूख भी बढ़ाता रहता है। अब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नए आने वाली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए और हमारी पुरानी वीडियो देखकर भी आप अपने तितर को अच्छे से अच्छे संभालना और अच्छे से अच्छा पालना सीख जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम।